दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के बारे में यानी कि प्रा प्रागैतिहासिक प्राग इतिहास के काल को पाषाण इतिहास का काल भी कहा जाता है इसको तीन भागों में बांटा गया है पहला है पूरा पाषाण काल जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर दस हज़ार ईसा पूर्व तक का और मध्य पाषाण काल जो कि दस हज़ार ईसा पूर्व से तीन हज़ार पाँच सौ ईसा पूर्व तक का है और फिर आता है लास्ट में नौ पाषाण काल जो कि तीन हज़ार पाँच सौ ईसा पूर्व से हज़ार ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अब हम आज इसमें देखेंगे कि इन इन जो काल हैं, इनमें कौन कौन से स्थल थे और किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आप देखिए कि सर्वप्रथम पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है पुरा पाषाण काल हो गया मध्य पाषाण काल और पाषाण काल पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था इस काल को आकेटक या खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है ठीक है लगभग तीन हजार छत्तीस हजार ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया मानव आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है यानी कितने हजार ईसा ईसा पूर्व पूर्व तो आधुनिक मानव जो था अस्तित्व में आया मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था जिसे मध्यकाल में पालतू बनाया गया मध्यकाल में ठीक है मध्य पाषाण काल में जो कि कुत्ता था पहली बार उसको पालतू जानवर बनाया गया आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल में ही से ही थी किंतु इसका उपयोग नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से तो अब देखिए नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया जिसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई कृषि कार्य कौन से पाषाण काल से शुरू हुआ तो नौ पाषाण काल से भारत में पाषाण कालीन सभ्यता को अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में किया ठीक है ये भी आ सकता है भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है ठीक है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है बिहार के चिरंद नामक नव कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं इसके बारे में हम और आगे अध्ययन करेंगे पाषाण काल के तीनों चरणों को का साक्ष्य बेलन वेलन की घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुई है यानी कि तीनों चरणों का साक्ष्य वेलन की घाटी यानी कि वेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं औजारों में प्रयुक्त किए जाने वाली पहली धातु ताबा थी सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी आएगा तो ताबा सर्वप्रथम थी इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कबीर नगर में पाया गया जो कि कहा है लोहार देवा या लाहौरा बोलते हैं इसको पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ तो ये भी आता है कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल मध्य कालीन स्थल और कालीन स्थल में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और इन स्थलों को हम कैसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इसको देखेंगे क्योंकि ये ऐसे स्थल हैं कि समय समय पर अगर इनको रिवीजन नहीं किया तो हम भूल जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा कालीन स्थल सर्वप्रथम पूरा कालीन स्थल पहलगाम जो कि कश्मीर में है इसमें क्या बना हाथ की जो कुल्हाड़ी थी वो मिली हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी ठीक है लोहदा नाला जो कि यूपी में है यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली भीम बेटिका जो कि मध्य प्रदेश में है चित्रकारी वो शैलाश्रय मिले यानी कि वहां पे चित्रकारी और शैलाश्रय के जो अवशेष हैं वो मिले हतनौरा जो कि एमपी में है इसमें से मानव की खोपड़ी का अवशेष मिला तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे देखिए पहल के हाथ कुल्हाड़ी है यूपी लोमा क्योंकि एमपी में भीम के हाथ से सचित्र की खोपड़ी है इसको एक ऐसे याद करेंगे पहल के हाथ कुल्हाड़ी है मतलब पहल गांव ये क्या हो गया पहलगाम हो गया के से हो गया कश्मीर हाथ कुलाड़ी मतलब हाथ की बनी कुल्हाड़ी ठीक है, है यूपी लोमा यूपी से क्या हो गया यू से हो गया आ, यूपी हो गया ठीक है यूपी से हो गया लो से हो गया लोहदा नाला और माँ से हो गया मातृ देवी की मूर्ति यानी कि यूपी के लोह लोहदा नाला में मातृ देवी की मूर्ति मिली एमपी में भीम के हाथ सचित्र की खोपड़ी है यानी कि एमपी में से क्या क्या मिला जो भीम के हाथ मतलब जो एमपी है उसमें भीम बेटी का नामक स्थान पर क्या है सचित्र मतलब अः शैलाश्रय और चित्रकारी का मिलता है भीम के हाथ सचित्र की खोपड़ी मतलब हाथ से क्या आ गया हथनौरा और खोपड़ी से आ गया मानव खोपड़ी यानी कि हथनौरा जो कि एमपी में है मानव खोपड़ी मिली और भीम बेटी का जो भी मध्य प्रदेश में है वहाँ से क्या मिला चित्रकारी और शैलाश्रय तो इसको आसानी से पहल के हाथ कुल्हाड़ी है यूपी लो माँ क्योंकि एम में भीम के हाथ सचित्र की खोपड़ी है इसे याद कर सकते हैं अगला कैसे याद कर सकते हैं सबसे पहले देखिए महदहा यूपी एक साथ स्त्री पुरुष का सौदाह मिला है यानी कि अवशेष मिले हैं सराय नहर नहर राय यूपी में है युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य मिला है क्योंकि इसमें जो अवशेष मिला है उसके सर पर जो है पत्थर जो चुबा हुआ पत्थर मिला लंगनाद जो कि गुजरात में है चौदह मानव कंकालों रेत का टीला मिला ठीक है आदमगढ़ जो कि एम में है पशुपालन का प्रथम साक्ष्य ठीक है बागौर राजस्थान में सबसे बड़ा आवास यानी कि बागौर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा आवास मिला है ठीक है अब इसको सबसे पहले याद करने के तरीका कैसे है यूपी में एक साथ स्त्री पुरुष मतदान व नहर में हत्या यानी कि यूपी में एक साथ स्त्री पुरुष मतलब यूपी में एक साथ क्या हुआ स्त्री और पुरुष ने क्या किया मतदान मतदान से क्या 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 याद रख सकते हैं महदहा याद रख सकते हैं मतदान से और नहर से क्या याद रख सकते हैं सराय नहर राय और हत्या मतलब वो हत्या का प्रथम साक्ष्य यानी कि युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य ये तो हो गया यूपी का ठीक है उसके बाद चौदह लंगूर के कंकाल मिले चौदह लंगूर के कंकाल कहने का मतलब लंगूर से क्या बना चौदह से तुम याद कर सकते हो चौदह मानव कंकाल लंगूर से हो गया से लंग से हो गया लंगनाज और गु से हो गया गुजरात ठीक है लंगूर और यहीं से रेत का टीला भी मिला था तो लंगूर से क्या बन गया लंगनाज गुजरात रेत का टीला और चौदह कंकाल मतलब यहीं से चौदह कंकाल भी मिले थे ठीक है एमपी में आजमगढ़ के पशुराज का बड़े आवास का रोप यानी कि अब यूपी की बात होगी अब एमपी में एमपी में के आजमगढ़ मतलब एमपी के आजमगढ़ में जो है पशुराज मतलब पशुराज का मतलब पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला का बड़े आवास का रोप यानी बड़े आवास का रोप मतलब बड़े बड़ा आवास कहाँ मिला तो आवास का रो रो रोप से आएगा क्या आएगा बॉ से हो गया बागौर और रो से हो गया राजस्थान यानी कि राजस्थान के बागौर में सबसे बड़ा आवास मिला एम में आजमगढ़ के पशुराज का बड़े आवास का रोब मतलब एमपी में हो गया आजमगढ़ के पशुराज मतलब एमपी के पशुराज आजमगढ़ में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य बड़े आवास का रोब मतलब रो से हो गया राजस्थान बहुत से बागोर राजस्थान के बागोर नामक स्थान पर सबसे बड़ा आवास का साक्ष्य मिला है अब देखिए आगे अब कालीन स्थल जो थे उसमें हम बात करेंगे देखिए कालीन स्थल कौन कौन से थे तो उसमें सबसे पहले आप देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान में सबसे पहले खेती और कच्ची ईट के साक्ष्य मिले हैं ठीक है मेहरगढ़ पाकिस्तान में है बुर्ज होम कश्मीर में मालिक कुत्ते का शव एक साथ मिला है ठीक है बुर्ज होम कश्मीर में मालिक कुत्ते का शव दफनाया हुआ एक साथ मिला है कोल्डी हवा यूपी में है धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यानी कि यूपी के कोल्डी हवा में धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है पिकलीहल कर्नाटक में है यहाँ से राख का ढेर मिला चिरंद यानी कि बिहार में है हड्डी के उपकरण मिले अब सबसे पहले हम इसको याद कैसे करेंगे तो पाकिस्तान में मेहरा के खेत तो और ईंट का मकान है तो यहाँ से क्या हो गया पाकिस्तान में आपको पता चल गया मेहरा से हो गया मेहरगढ़ और खेती से पता चल गया आपको खेत से खेती पता चल गया ईंटों का मकान मतलब ईट कच्ची ईट से बनी हुई मकान का पता चला ठीक है जहाँ बुर्ज होम के मालिक वो कुत्ते को दफनाया यानी कि बुर्ज होम के बुर्ज होम से बुर्ज होम हो गया के से हो गया कश्मीर मालिक व कुत्ते का को, को दफनाया ठीक है दफनाने का विचार दफनाने का मतलब दफनाने का साक्ष्य मिला मालिक व कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है अब यहाँ पे विचार विचार से क्या बनेगा देखो विचार से बनता है आपका बी से हो गया बिहार से हो गया चिराद और है से हो गया हड्डी यानी कि दफनाने का विचार है विचार है से क्या क्या बन गया हमारा बी से हो गया बिहार से हो गया चिराद ठीक है और हौ से हो गया हड्डी तो पूरा क्या हो गया पाकिस्तान में मेहरा के खेत और ईंटों का मकान है जहां बुर्ज होम के मालिक और कुत्तों कुत्ते को दफनाने का विचार है ठीक है इसे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं अब यूपी को धान यूपी को मतलब यूपी को यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश को से हो गया कोल्डी हवा धान मतलब धान का प्राचीनतम शाख साक्ष्य मिला ठीक है यूपी को धान मिलेगा ठीक है वो कर्नाटक को पिघली राख कर्नाटक को मतलब कर्नाटक में पिघली मतलब पिकली हल और राख मिलेगा मतलब राख का ढेर जो कर्नाटक के पिकली हल में राख का ढेर मिला था तो इस प्रकार से हमारे जो पाषाणकालीन प्रमुख स्थल हैं उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं और इसी ट्रिक के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद